नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक इम्प्लांट स्पेशलिस्ट और पुरुषों की जो प्रॉब्लम्स है उनका स्पेशलिस्ट। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं हर तरह के मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन पे, उनको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लिस्ट में जाके मेरे बाकी वीडियोज़ देखिए। आज का वीडियो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन पेशेंट्स जो इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि जो थ्री पीस इम्प्लांट या पंप वाला इम्प्लांट या बटन वाला इम्प्लांट क्या होता है। मैं आपको दिखाऊंगा आज कि ये बटन वाले इम्प्लांट दिखते कैसे हैं और कैसे काम करते हैं और इनका क्या फ़र्क है आपके नॉर्मल जो हमारे मैलिएबल या इंडियन इम्प्लांट है। तो आइए इसके बारे में जानें। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पिनाइल इम्प्लांट कई तरीके के होते हैं और आज हम बात करेंगे इस थ्री पीस इम्प्लांट की। थ्री पीस इम्प्लांट मतलब बटन वाला इम्प्लांट। इसमें बटन होता है जिससे आप इम्प्लांट को फुला सकते हैं और साथ में एक बटन होता है जिससे आप इम्प्लांट को वापस नॉर्मल पोजीशन में ला सकते हैं। तो नॉर्मली इम्प्लांट के तरीके के होते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में आपसे बात की थी मैलेबल इम्प्लांट्स के बारे में। मैलेबल इम्प्लांट मतलब जैसे ये इंडियन मैलेबल इम्प्लांट है, आप देखेंगे काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी मोटा इम्प्लांट है और इसको बेंड कर सकते हैं, पर ये बेंड नहीं रहता है, ये हमेशा स्टिफ हो जाता है। और जो दूसरे इम्प्लांट्स हैं मैलेबल, जैसे ये है हमारे पास AMS कंपनी का इम्प्लांट, बेंड हो सकता है, ऊपर सकता है, पर ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है इम्प्लांट, तो मैं लगाने के लिए मना करता हूँ। ये कोलोप्लास कंपनी का मैलेबल इम्प्लांट है, इसका भी यही प्रॉब्लम है, शुरुआत पीरियड में अच्छा स्टिफनेस देता है, इससे ज़्यादा मोटा है, पर इतना ही मोटा है जितना ये मोटा है। पर इसमें भी दिक्कत क्या है कि ये इम्प्लांट बाद में ढीले पड़ जाते हैं। ये नया इम्प्लांट आया है रिजिकॉन कंपनी का जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, जो इंडियन इम्प्लांट जितना और इससे थोड़ा ज़्यादा मोटे लेवल पे है। इसमें भी अच्छी बेंडेबिलिटी है, पर अगेन प्रॉब्लम्स है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कितना आएगा, खर्चा कितना आएगा, वो देखने वाली बात है। पर आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बटन वाले इम्प्लांट्स के बारे में। बटन वाला इम्प्लांट में मतलब क्या होता है कि दो रॉड होती है, ये एक रॉड एक पेनिस, मतलब पेनिस में दो चैम्बर होते हैं, तो एक रॉड एक चैम्बर में जाएगी और दूसरी रॉड दूसरे चैम्बर में जाएगी। इसी में एक ही रॉड है, तो दूसरी रॉड है नहीं बेसिकली, पर दो रॉड आती है। तो इसमें क्या होता है कि जब नॉर्मल स्थिति में ये खाली है, इसमें पानी नहीं है, एम्प्टी है ये, तो ये नॉर्मल स्थिति में बेंड रहेगा। बेंड मतलब कि आप पेनिस आपका नॉर्मल महसूस होगा, आप पेनिस को जहाँ मर्जी हिला सकते हैं, जैसे मर्जी रख सकते हैं, कोई कह नहीं सकता कि पेनिस के अंदर इम्प्लांट है। नॉर्मल स्थिति में इसमें कोई पानी नहीं होता, ये बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, तो पेनिस फील करने में एकदम सॉफ्ट रहेगा। और हम इसके अंदर जो पानी का गुब्बारा है, ये पानी का गुब्बारा होता है जो बेसिकली पानी को होल्ड करता है। इसकी कैपेसिटी होती है, ये छोटा इम्प्लांट है तो इसमें नॉर्मली 60 ml का गुब्बारा होता है। यही इम्प्लांट अगर बड़े साइज़ में आता है तो उसमें वो गुब्बारा जो है अराउंड 100 ml का होता है। तो इस गुब्बारे को नॉर्मली हम लोग, जैसे ये आपका पेनिस है, मेरा जो पेनिस का मॉडल है, जैसे ये जो आपका, तो जैसे नॉर्मली स्थिति में जैसे ये आपका पेनिस है, तो ये छोटा है बहुत, नॉर्मली हम लोग काफ़ी लंबा चौड़ा इम्प्लांट लगाते हैं तो दो रॉड में लगता है, एक रॉड यहाँ पर और एक रॉड यहाँ पर। तो जो आपकी जो गोली है, हम नॉर्मली छेद यहाँ से करते हैं इम्प्लांट डालने के लिए, यहाँ चीरा लगाते हैं, चीरा लगा के दोनों जगह हम स्पेस बनाते हैं, स्पेस बना के रॉड डल जाती है उसके अंदर स्पेस में। ये जो बटन है ये डलता है हमारे स्क्रोटम में, मतलब ये जो है आपके अंडकोश से महसूस होगा और इसी इंसिजन में से, इसी छेद में से यहाँ पर जो आपकी जांघ है वहाँ पर हम छोटा छेद करके इसको अंदर डाल देते हैं पानी के रिजर्वर को। तो नॉर्मल स्थिति में जब पेनिस डाउन है, तो इसमें पानी नहीं होता, सारा का सारा पानी रिजर्वर में होता है, जो रिजर्वर आपके जांघ के अंदर है। जब आपको सेक्स करने की इच्छा है, इंटरकोर्स करने की इच्छा है, तो इसमें ये पंप होता है जो आपके अंडकोश में होता है। तो जब आप इस पंप को प्रेस करेंगे 3, 4, 5 बार, तो ये सारा पानी जो है वो इधर से आपके रिजर्वॉयर से निकल के इसमें आ जाएगा, जिससे ये जो आपका इम्प्लांट है ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। इतना हार्ड हो जाएगा कि नॉर्मल हमारे इम्प्लांट जितना हार्ड हो जाता है, क्योंकि पानी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, लिंग एकदम हार्ड टाइट लंबा हो जाएगा। इसमें साइज़ जो है इम्प्लांट का गर्थ भी बढ़ती है और लेंथ भी बढ़ती है, तो पेनिस लंबा भी हो जाएगा, मोटा भी हो जाएगा और हार्ड भी हो जाएगा। जब आप इंटरकोर्स कर ले, डिस्चार्ज आपका हो गया, आप सेटिस्फाई हो गए, वाइफ सेटिस्फाई हो गई, तो फिर इसमें एक रिलीज़ बटन है, ये रिलीज़ बटन को आप दबाएंगे एक बार, तो ये सारा का सारा जो पानी है ये वापस
रिजर्वॉयर में चले जाएगा और ये इम्प्लांट फिर से आपका नॉर्मली सॉफ्ट हो जाएगा। जो ये थ्री पीस इम्प्लांट है इसकी बनावट बड़ी सॉलिड होती है। ये जो आप देख रहे हैं इम्प्लांट लग रहा बड़ा सिंपल है, पर इस इम्प्लांट में जो ये कोटिंग है ये तीन लेयर में होती है। तीन लेयर का मतलब है कि ये इम्प्लांट सालों साल बढ़िया चलते हैं, ख़राब नहीं होते, फटते नहीं है, लीकेज नहीं होती। ये जो पंप है, इन पंप के अंदर जो ये प्रेसिंग है, ये 50,000 बार, मतलब 50,000 से 1,00,000 बार आप इसको प्रेस कर सकते हैं, ये काम करेगा। और जो ये बटन है, ये बटन भी जो है कम से कम 25,000 बार के जो बार रिलीज़ करने के लिए सर्टिफाइड होते हैं। तो ये जो इम्प्लांट्स है ये नॉर्मली 10-15 साल तक तो जो कंपनियां हैं वो इनकी गारंटी देती है, वारंटी नहीं गारंटी, मतलब अगर ये इम्प्लांट कभी ख़राब होते हैं तो इनको फ्री में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये इम्प्लांट इतने बेहतर है। तो नॉर्मली जैसे हम लोग वर्ल्ड ओवर भी अगर इम्प्लांट करते हैं तो ये जो इम्प्लांट्स हैं नॉर्मली 10 से 15 साल आराम से निकालते हैं, और नॉर्मली 10 साल या 11 साल या 12 साल के बाद इन इम्प्लांट्स को अगर चेंज करना ही पड़ता है तो कंपनियां ये इम्प्लांट फ्री में प्रोवाइड करती है। एक मॉडल आता है टू पीस, ये नॉर्मली थ्री पीस देख रहे हैं आप। थ्री पीस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक उसके अंदर रॉड हो गई, एक पंप हो गया और एक रिजर्वायर हो गया। रिजर्वायर होने का फ़ायदा ये है कि जो रिजर्वायर है इसमें ज़्यादा पानी होता है, इस कारण से आपको काफ़ी अच्छी हार्डनेस मिलती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि हम रिजर्वायर को हटा दें तो इसको फिर हम लोग टू पीस बटन वाला इम्प्लांट बोलते हैं। उसमें क्या है कि जो पानी है वो यहाँ स्टोर होगा, रिजर्वायर के बजाय पानी यहाँ स्टोर होगा, पर इसमें कैपेसिटी कम होती है। नॉर्मली रिजर्वायर में कैपेसिटी 60 ml है, इसमें सिर्फ 10 ml कैपेसिटी है। तो इस वाले इम्प्लांट में जो उस वाले इम्प्लांट से हार्डनेस थोड़ी सी कम होती है, पर नॉर्मली वो भी अच्छा काम करता है, कॉस्ट में भी फ़र्क है। उसमें भी पंप होता है, बटन दबाएंगे इम्प्लांट हार्ड होगा, बटन दबाएंगे इम्प्लांट डाउन होगा, पर उसमें जो ये तीसरा कंपोनेंट है, जो ये रिजर्वर वाला कंपोनेंट है, ये नहीं होता। तो ये बेसिकली होते हैं पंप वाले या बटन वाले इम्प्लांट। ये बटन वाले इम्प्लांट डलते कैसे हैं इसकी सर्जिकल वीडियो मैं आगे डालूंगा, ये बटन वाले इम्प्लांट काम कैसे करते हैं पेनिस में डलने के बाद इसकी सर्जिकल वीडियो मेरे इंग्लिश चैनल पे है, वहाँ देख सकते हैं, नहीं तो हिंदी चैनल में आने वाली है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इम्प्लांट के बारे समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछेंगे, मैं आपको उसके बारे में जो भी और सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।